तो देखिए जेई मेन 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का. ए सॉलिड हैविंग डेंसिटी एस 9×10³ केजी पर मीटर क्यूब फॉर्म्स एफसीसी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ 200√3 पिकोमीटर. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड इन केजी पर मोल. अब देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेंसिटी वाले क्वेश्चन जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ध्यान रखें कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला फार्मूला है डेंसिटी का. अब इसने बोला कि डेंसिटी की यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी हमें किस यूनिट में दिया हुआ है. एफसीसी बोल दिया है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ वन यूनिट सेल इज 4 और साथ में क्रिस्टल का एज लेंथ ए दे रहा है ये 200√3 पिकोमीटर. ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻¹² मीटर. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला है जेड एम एम अपॉन एन ए वी. एन ए एवोगाड्रोस नंबर, वी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एम मोलर मास और जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. एफसीसी के लिए जेड जो है वो कितना होता है 4 होता है. मोलर मास हमें क्वेश्चन में निकालना है एवोगाड्रोस नंबर 6×10⁻². ए क्यूब हमें देखना है क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ये ए क्यूब के बराबर है. एज लेंथ जो ए है वो गिवन है 200√2 पीकोमीटर. 1 पीकोमीटर 10⁻¹² मीटर. सोल्व करने पे ये आएगा 2√2×10⁻¹० मीटर. अब हम आ जाते हैं डेंसिटी दी हुई है केजी पर मीटर क्यूब में. तो 4×4 ये जेड एम मुझे केजी में निकालना है. ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर मैंने रखा ऐसा कैसा. ठीक है, एज लेंथ ए रखी मैंने इतनी. ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मोलर मास का जो आंसर आएगा वो यहां मैंने सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी 2305×10⁻¹⁴ और यूनिट केजी पर मीटर क्यूब. यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना है तो आंसर 0.0305 केजी पर मीटर क्यूब. इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ही देखोगे कि एज लेंथ किसमें दिया हुआ है और डेंसिटी किसमें दी हुई है. डेंसिटी था मीटर क्यूब में तो इसलिए एज लेंथ को मैंने मीटर में ही चेंज किया है. इट वॉज गिवन इन पीकोमीटर. ठीक है,